हेलो गाइस, माय नेम इज़ करण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड ऑन माय फेसबुक पेज टू। सो होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस, अभी जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है अगर अपन देखें तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अगर अपन स्टडीज की बात करें तो एक ये है कि ड्रॉप जो बच्चे लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम भी हो गया है, परसेंटाइल भी आ गई है, 90% कट ऑफ है और नीट का पेपर भी हो गया है, तो अब 30 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या किया जाए, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज ऑलरेडी ले चुके हैं, वो कॉलेज VIT हो गया, SRM हो गया, थापर हो गया, निर्मा हो गया, उन्होंने ले लिया है। कुछ सोच रहे हैं कि जोसा की काउंसलिंग का वेट करेंगे। और सबसे एक जो तबका जो बचा हुआ है जो अलग है इनसे, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर इस साल ड्रॉप करना है तो कौन सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, कहाँ जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, किसी की बहुत बड़ी बड़ी रैंक है, किसी का कुछ रैंक है, तो इस तरीके से। तो गाइस, इसको अपन लोग बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रॉप करने वाला स्टूडेंट जो है वो 3 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी तो वो है जिसने कहीं कोचिंग नहीं की है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसने कोचिंग तो की है लेकिन उसकी परसेंटाइल लगभग ज़्यादा नहीं आई है, तीसरा वो है जिसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई है, तो वह 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है गाइस, कि इन तीनों चीज़ों के लिए हमने एक ही सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि ये जो तीन तरीके के जो स्टूडेंट्स उनके लिए कोई अलग अलग सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं। सबसे मेजर चीज़ क्या है कि अब इन स्टूडेंट्स के पास जिसकी परत अच्छी, जो ड्रॉप कर रहा है, मतलब तीनों कैटेगरी का स्टूडेंट है वो, और वो इस साल ड्रॉप कर रहा है, तो उसके पास क्या बचता है कि भैया मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए या मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करनी है जहाँ से मेरा भला हो जाए, मेरी नाव पार हो जाए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे आसान ये है कि ऐसा इंस्टीट्यूट चुनना है, सबसे पहली चीज़ कि वो इंस्टीट्यूट का एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वरना आजकल आप देखते हैं कोई फैकल्टी कहीं चली गई है, कोई कहीं चला गया है, तो एक रेपुटेड बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी फैकल्टी जाती है आती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी फैकल्टी आती है पढ़ाना शुरू कर देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे ध्यान रखने वाली इसमें यह है कि एक पर्सनल अटेंशन, क्योंकि अब तक 11th 12th में अगर किसी बच्चे ने कोचिंग की है तो उसको पता है कितना पर्सनल अटेंशन मिलता है ना। तो जहाँ स्ट्रेंथ कम हो, पर्सनल अटेंशन मिल रहा हो और जहाँ पे आपकी फटाफट हेल्प हो जाए, क्योंकि अपने पास साल भर भी नहीं बचा है, अपने पास 6 महीने बचे हैं, ठीक है। और 6 महीने भी मैं आपको तब बता रहा हूँ जब अपन अप्रैल का मंथ का अपन मेंस टारगेट कर रहे हैं, तो टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, फोकस ज़्यादा चाहिए, टीचर्स का ज़्यादा टाइम चाहिए, मेंटोर्स जो वहाँ पे आपके हैं उनका टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी जगह चुने जहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो, फैकल्टीज का पूरा अटेंशन हो, लोग आपको नाम से जानते हो, लोग आपका ध्यान रखें, बहुत सिंपल और बहुत क्लियर बात है ये। बाकी जहाँ भीड़ है वहाँ पे मत जाएं, क्योंकि अपने पास इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। भीड़ में जाओगे टीचर आपको समझेगा, आपको जानेगा, आपकी परसेंटाइल पूछेगा, आपको लगेगा इसकी तो कम है, ये है वो है, ऐसी जगह नहीं जाना है। 20 बच्चों का बैच जाम बन रहा हो, 20-25 बच्चों का, वहाँ पे जाओ, एडमिशन लो, पढ़ना शुरू कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर काइंड सपोर्ट। वी हैड क्रॉस 100 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड इवन इंस्टाग्राम, वी अबाउट टू रीच 50। इवन आई क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड, सो आई होप यू गाइस विल लव एंड सपोर्ट। सो कीप रीडिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप थिंकिंग दैट व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट यू इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, और थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि ड्रॉपर का बैच अगर हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के भी आपको थोड़ा सा और बूस्टअप मिलेगा, आई होप। सो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।